चिंता गढ़वाली माँ से। आप देख सकते हो मेरी आंखें ये कैसे सूज रही हैं, और कल तो डॉक्टर के पास नहीं गए थे, बट अश्मी जी अभी आने वाले हैं, तो अभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास, पूछेंगे कि आंखें क्यों सूज रही है, फेस भी सूज रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं आपको विशु को दिखा देती हूँ। विशु देखो कैसे कर रहे हैं, ये देख रहे हो विशु को, बस इसको पकड़ के खड़े हो जाते हैं। गाय सुबह से इतना सिर में दर्द हो रहा है और आंख मतलब इतनी सूज रही है ना कि कुछ भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, और सुबह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया है। सुबह से मैंने एक भी वीडियो, आप ये देख रहे हो ये पसीना आ रहा है, सुबह से एक भी वीडियो शूट नहीं किया है। कपड़े वाला वीडियो पड़ा है, मेकअप दुर्गा मेकअप का वीडियो बनाना था वो भी नहीं बनाया है, क्योंकि आई सूज रही है। मेकअप आइस से ही होता है, और मैं ऐसे बैठ भी नहीं सकती क्योंकि विशु की फर्स्ट नवरात्रि है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था सोसाइटी में नंबर वाइज नंबर आता है, तो मैंने एक दीदी से बोल के, जयश्री दीदी और शिल्पा दीदी से बोल के जल्दी अपना नंबर करवा दिया, क्योंकि मेरे को हरिद्वार जाना था और मेरा नंबर सबसे लास्ट में था, दीदी ने आगे करवा दिया, थैंक यू दीदी के लिए। तो अभी लेने जाना है प्रसाद, डॉक्टर के पास भी जाना है। विशु फिर से लैपटॉप गेर दिया है ना, विशु मजा आया लैपटॉप गेर के, हे भगवान। एक सेकेंड ना, मैं लैपटॉप उठा देती हूँ पहले ना। तो वैसे विशु को ऊपर ही ले आई हूँ, और अभी प्रसाद लेने जाना है, रेडी भी होना है, और ये देखो विशु को मतलब समझ नहीं आया कि यार माता रानी मेरे से इतना प्यार करती है, कुछ ज्यादा प्यार करती है माता रानी मेरे से, सारी मुसीबतें एक साथ ही दे देती हैं। तो ये देखो विशु ने लैपटॉप भी गिर दिया है, तो दिए मैंने बना दिए थे, नहा धो के मैंने दिए पहले ही रेडी कर दिए थे, अब बस उनमें घी डालना है और बत्ती बनानी है, वो मैं जब मैं पूजा करूंगी तो मैं उसको कर दूंगी, तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा। चलिए गाइज ये देखो कैसे लग रहे हैं, ये आ गए हैं अच्छे से, और मैंने कर ली है पूजा, और अब मैं आपको विशु को दिखा देती हूँ विशु क्या कर रहे हैं। ये देखो इधर आ जाते हैं महाराज जी मेरे। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, और जा रही हूँ प्रसाद लेने। अश्मित जी आ गए हैं, अश्मित जी हाय। तो आते ही हम जा रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूजा के लिए भी जाना है हमें, और विशु ये रहे हैं, तो चलो चलते हैं। मैं सारे काम एक साथ ही हो जाएंगे है ना, है ना विशु।
गाइस मैं आ गई हूँ प्रसाद लेके, और जैसे कि आपको पता है आरती में मुझे जाना है, और ये है मेरा दुर्गा पूजा लुक। मतलब मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस यही है मेरा दुर्गा पूजा लुक, और ये मैंने अपना शादी का चूड़ा डाल लिया है क्योंकि और कुछ लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब शादी का चूड़ा ही डाल लेती हूँ मैं ना, चूड़ियाँ बार बार कौन ढूंढता रहेगा। और ये माता की चूड़ी पहले से ही डली हुई है, बस ये मेरा फाइनल लुक है। और अभी मैं आपको दिखा दूंगी पूरा लुक। मैं अभी मांग में सिंदूर भी नहीं लगाया है, मंगलसूत्र भी पता नहीं कहाँ चला गया था, बड़ी मुश्किल से मिला है। तो अभी मैं आपको विशु को दिखा देती हूँ। विशु के डैडी गए हैं रेडी होने, प्रसाद रख दिया है, प्रसाद लेके आ गए थे हम जो कि सबको बांटना है। विशु के डैडी नहाने गए हैं, वो आ जाएंगे तो आपको मिलवा देंगे। पहले हम आपको मिलवाते हैं विशु से। अब मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बताना, ये कान में इयररिंग डाल ली है मैंने। तो गाइस आप ये जो मेरा लुक देख रहे हो, ये साड़ी मैंने मंगाई है अमेजोन से। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये साड़ी मैंने अमेजोन से मंगाई है, कलर फैक्ट्री में भी आपको ये साड़ी अवेलेबल है। और आप देख सकते हैं इसमें मेरा लुक कैसा आया है। जो साड़ी मेरे को अच्छी लगती है गाइस, वही चीज मैं आपको बताती हूँ। तो ये साड़ी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी साड़ी है। तो आज मैंने इसको कैरी किया है। अगर आप चाहते हैं अमेजोन से ये साड़ी परचेज करना तो आप कर सकते हैं, और आप इसमें बहुत सुंदर लगने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ये साड़ी। गाइस ये रहे मेरे लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल हाँ गरबा डोली रा डोल रे बजाओ, आई खुशियों की बुहार। विशु विशु जा ए जा। तो गाइस ये रहा मेरा लड्डू गोपाल, और अब आज हम करेंगे डांडिया। और ये देखो मेरे विशु को, विशु छतर पतर पर मैं छोर मारा लच दल का बीच मेरू फा। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, कान की कुंदर चाहिए मेरे लाडली को। ये देखो अभी मैं आपको अश्मित जी दिखा देती हूँ। विशु यहीं पर रहना बेटा, कहीं मत जाना ठीक है। मम्मा अभी आई। गाइस आंखें तो सूज रही हैं, पता नहीं क्यों, दवाई लेके आ गए हैं, और दवाई अभी खाने के बाद मैं खा लूंगी। तो मैं आपको अश्मित जी दिखा देती हूँ कहाँ है। गाइस पहले ना आप ये देख लो, ये मैंने निकाल दिया है दीदी के लिए सामान। इसमें नीचे हैं कपड़े, और ऊपर है ये मैं डीमार्ट से जो लेके आई थी डब्बा, और इसमें पैसे हैं। ये दीदी के लिए सामान मैंने पहले ही निकाल दिया है क्योंकि दीदी को कल जाना है, तो मैंने सोचा पूजा के साथ साथ ये भी मैं निपटा देती हूँ दीदी के लिए। दिवाली के लिए मैंने ये सब किया है, दिवाली का, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ तो मैं सोच रही थी दिवाली का दीदी को पहले ही दे दूँ। तो ये है दीदी के लिए। अरे लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल अभी आई। हाँ बेटा कहीं मत जाना, अभी आई मम्मा। मैं ना पूजा की थाली सजा लेती हूँ। सबसे पहले आपको पता ही, दिए तो मैंने बना के रख दिए थे सुबह में ही, और बस अभी कर लेती हूँ। हाँ लड़की ही लग रहा है। थाली में सजा लेती हूँ। थाली आई थी ना, तो इस बार मैंने कहा था कि मैं अपनी थाली अपने आप ले आऊंगी। गाइस थाली आती है, बट इस बार मैंने बोला कि मैं अपनी थाली अपने आप ही ले जा लूंगी। हाँ जी ये रख लेते हैं थोड़े से फूल, और बाकी चढ़ेगी ये माला माता रानी पे। तो गाइस मैं आपको अपनी थाली दिखा देती हूँ।
तो गाइस ये है मेरी थाली, ये देखो। और ये है फूल वहां के लिए, और ये है मिठाई। अश्विनी जी उधर पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं बेबी को देख लेती हूँ। बेबी, अरे वाह, बेबी ने अपनी फ्रॉक निकाल दी। विशु फ्रॉक निकाल दी। हाँ विशु फ्रॉक निकाल दी, मेरे पास नहीं आना है। अश्विनी जी भी हो गए हैं तैयार और आ गए हैं, और ये देखो हमारा विशु। विशु ढोलीरा, विशु ढोलीरा ढोल रे बजाओ आई कु। ये विशु की जूतियां है, अभी पहनानी है विशु को ना। अले वा अले वा अले वा अले वा, छतर पतर पर मेचवर मारा लचदाने का बीच मेरे पास। हाँ हाँ टिंके 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 टा टा, देखो देखो देखो। तो गाइस मैं मिलवाती हूँ अपनी स्वीट फैमिली से। ये है मेरी स्वीट फैमिली, मेरी जान, और ये दोनों मेरी जिंदगी। गाइस आपको, आपने देखा ना माता रानी मुझे कितना प्यार कर दी है। ये देखो ना कितनी बड़ी तकलीफ दे दी है, सिर में पेन दे दिया है, और फिर भी मैं इन दोनों की हैप्पी नवरात्रि बना के ही रहूंगी। मैं जाने नहीं दूंगी अपने बेटू की ना नवरात्रि को, मैं छोड़ूंगी नहीं, है ना माता रानी। बीटू, हाँ बीटू, इसको फीवर बढ़ रहा है क्या? बताओ कैसे, किससे पता कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, चलो आ जाओ विशु, आ जाओ। हाँ 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 हाँ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। जूतियों में कैसे चल रहा है विशु? हाँ विशु, विशु क्या कर रहे हो? टिंग 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 टिंग, विशु छतर पतर पर मेचवर महाराज, ऐसे मत करो। नहीं नहीं देखो छतानी की मस्ती। हाँ मस्ती, हाँ मस्ती, खड़े होना है, खड़े होना है, क्या करना है, नहीं खड़े होना। हाँ हाँ विशु गरबा के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, डांची डांची करने के लिए, डांची और डांची। ये देख रहे हो गाइस विशु की डांची डांची। चले विशु घूमी घूमी चले। हाँ हाँ, सुबह से सोए नहीं है पता है आपको, सुबह से बहुत सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा रात में फिर जगेंगे तो सोने का कोई नाम नहीं है। और गाइस मैंने मेकअप वाला वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नहीं बनाया, बस ज्यादा मेकअप भी नहीं था, बट नहीं बनाया मैंने मेकअप वाला वीडियो। तो चलो विशु को मैं देख लेती हूँ, विशु की देखो जूतियाँ, ये देखो फोन। विशु गैस खाना अभी नहीं खाया है, खाना ना अभी बनाऊंगी मैं, मतलब जो भी थोड़ा बहुत बनाना होगा वो बनाऊंगी उसके बाद। निकालने पे लगे हुए हैं बस, उन्हें मेरे कान की पसंद आ रहे हैं। हाँ विश्व, हे लल्ला, ओ लल्ला, ओ मेरे छोटे से लल्ला, मेरे मोटे से लल्ला, ओ ओ ओ ओ, हे। हाँ विश्व, विश्व देखो। हाँ चलो बाबा।
पूजा करके ऐसे ऐसे की थी, आपने देखा था। और जो मिठाई हम लेके गए थे उसमें से आधा डब्बा बच गया है, तो दीदी घर पे देने आ गई थी, मैंने आपको बताया था, जयश्री दीदी, और वो लेके आ गई हैं। और अभी मैं ये थाली रख देती हूँ मंदिर में। हमारे विशेष सो गए थे पूजा के टाइम पे, ये देखो आप, और अभी भी वो निंदी में है। अरे बाबू निंदी में है वो अभी भी, तो मैं पूजा की मैं यहाँ पे आ गई हूँ। विशु दूध पी रहे हैं क्योंकि उन्हें लग गई थी भूख और वो सो गए थे। और क्या है, पता नहीं वीडियो मेरी बनी होगी नहीं बनी होगी, दीदी ने बनाई होगी या नहीं बनाई होगी। तो अभी क्या है, पता है बहुत अच्छा लगता है आरती में, बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे क्या है, सब लोग मिलके आरती करते हैं, अब बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा ही होगा मैं कैसे गई थी और कैसे हमने आरती करी है। तो अभी अगर वीडियो होगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और बहुत अच्छा लगा, ये देखो विशु, अब विशु के डैडी आ गए थे घर पे, आप देख सकते हो आरती करते, टाइम तो इतना हो रहा था ना। और विशु के डैडी गए हैं विशु के लिए दूध लेने। विशु को मैं जूतियां पहना के नहीं लेके गई थी क्योंकि विशु की जूतियां ना उतर जा रही है, तो विशु को मैं ऐसे ही लेके चली गई थी गाइस। और ये देखो मेरा, हाँ तो गाइस मैं अभी देख लेती हूँ विशु को और फिर उसके बाद बात करती हूँ आपसे। कान के इयररिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप देखो 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 विशु क्या हो रहा था बेटा, ये देखो गरबा करके आ गया है लड़का। बेटा इधर हाथ हटा जरा, अरे नहीं यार, देखो ये रहा मच्छर, ऑल आउट लगाओ ये मच्छर। थोड़ा सा गरबा भी करके आ गई, आपने देखा मैंने गरबा किया, थोड़ा सा आता नहीं है पर फिर भी किया, दीदी ने मेरे को सिखा दिया था, अब वो मेरे को सिखा रही थी। तो चलो अभी मैं कर लेती हूँ चेंज। तो गाइस आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय, जय माता दी।